जयपुर से खबर है, वन क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोगुंदा से पकड़े गए 3 लेपर्ड्स को लाया गया है जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बाद वन विभाग ने 3 लेपर्ड्स को जयपुर भेजा है। करीब 1 महीने से छोटे छोटे पिंजरों में कैद थे ये लेपर्ड्स। 6x4 के ये पिंजरे आप देख पा रहे होंगे, जिनमें ये लेपर्ड्स को कैद किया हुआ था। एक लेपर्ड के तो पिंजरे में सिर में गंभीर चोट आई है, और उसके बाद मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देशन पर 3 लेपर्ड्स की शिफ्टिंग की गई है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी है और पूरे मामले पर? देखिए आयुषी, पिछले दिनों गोगुंदा में जिस तरह का हुआ, लेपर्ड्स ने लगातार हमले किए, 8 लोगों की मौत हुई लेपर्ड्स के हमले में, उसके बाद से ही वहां केजिंग की गई थी, जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे वन विभाग की तरफ से। उन पिंजरों में 6 लेपर्ड्स कैद हुए। अगर हम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें उदयपुर में, तो इस समय कुल 14 लेपर्ड्स वहां पर पिंजरों में थे, लेकिन 6x4 के पिंजरे में किसी लेपर्ड्स को ज्यादा लंबे समय तक कैद रखेंगे तो चूंकि वो उसमें नाखून मारता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं, उसके कैनाइन टूट जाते हैं उसमें, और एक लेपर्ड ने तो अपने आप को बुरी तरह घायल भी कर लिया था, जो मेल लेपर्ड है जिसको अभी जयपुर शिफ्ट किया गया। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसकी लगातार खबरें चलाई कि लेपर्ड्स बड़ी दयनीय स्थिति में। उसके बाद वन्यजीव प्रतिपालक जो है, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने, उन्होंने निर्देश दिए कि कुछ लेपर्ड्स को जयपुर रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट किया जाए, नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में। उसके बाद आज 3 लेपर्ड्स को वन विभाग की टीम जयपुर लेकर पहुंची है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर उनको रखा गया है, और जिस मेल लेपर्ड के सर में काफी गंभीर चोट थी उसको भी यहां भेजा गया है, तो उसका भी डॉक्टर अरविंद माथो और जो पूरी टीम है उसका इलाज भी करेगी। खास बात यह है कि लगातार जिस तरह से लेपर्ड की वहां पर केजिंग की गई, वन विभाग के पास कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं था कि इन लेपर्ड्स को किस तरह से खुले में छोड़ा जाएगा, उनकी रिवाइल्डिंग की जाएगी नहीं की जाएगी, क्योंकि एक लेपर्ड को ग्रामीणों ने मार दिया था नरभक्षी समझ करके, दूसरे को पुलिस की टीम ने शूट कर दिया था, यानी 2 लेपर्ड्स मर गए, 6 की केजिंग हुई, और अभी भी वन विभाग इस पशोपेश में है कि नरभक्षी लेपर्ड मरा है या नहीं। तो ऐसे में इन 3 लेपर्ड को यहाँ पर भेज करके रेस्क्यू सेंटर में इनका इलाज भी किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि इनको यहाँ पर एनक्लोजर में छोड़ा जाए, ताकि डिस्प्ले में जब इनको छोड़ा जाएगा एनक्लोजर के अंदर, तो यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो इनको देख भी सकेंगे, और चूंकि अभी तक ये पिंजरे में थे 6x4 में, अपनी जिंदगी वहां बड़े मशक्कत के साथ और मुश्किलात के साथ गुजार रहे थे, तो उनको भी एक वाइल्ड बड़ा एरिया मिलेगा, वाइल्ड एरिया मिलेगा जिसमें सर्वाइव कर सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि वन विभाग ने एक अच्छा बेहतर निर्णय लिया है, और इससे न केवल डिस्प्ले में छोड़ने से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, उनका आकर्षण भी बढ़ेगा, और इन लेपर्ड्स के साथ जो तमाम मुश्किलात थी वो मुश्किलात भी दूर। आयुष बिल्कुल, निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।